आज मंडे है, हर्षित तारीख कितनी आज? सर 22 तारीख है, 22 अगस्त। तो आज हम आ गए लखनऊ के एक बेहतरीन जगह। ऐसा नहीं कि लखनऊ हमारा कम नहीं है, बहुत बेहतरीन बनी है। नहीं तो कुलदीप कितना अच्छा सीनरी लग रही है ना, ये देखिए बड़े बड़े होटल्स हैं, कितना अच्छा अच्छा नजारा दिख रहा है। और यहाँ खाने पीने की भी बहुत सारी जगह बहुत बढ़िया है सर। तो आज हम लोग कहाँ चलेंगे? रिवर पॉइंट। चलिए है ना, तो अभी रिवर पॉइंट चलते हैं। चलिए चला है ना, और दिखाते हैं। तो कहते थे कि लखनऊ ने लखनऊ बहुत आगे निकल गया हमारा, बहुत जन्नत है, मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी। बड़े बड़े ये पहले होटल हुआ करते थे, ये देखो ताज होटल वो दिख रहा है, देखिए सामने कौन सा ताज, ये ताज है, ये मैरियट है, और हयात है क्या, वो कौन सा होटल? JPNIC होटल है। अच्छा ये पहले ये रेनेसांस है, रेनेसांस। अच्छा रेनेसांस है जी। बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं जी जी। तुम्हारी तो भैया साल भर की जीविका चल जाएगी। तो स्ट्रगल टाइम में आपने बहुत बोरे में सोए हैं। बहुत मजा आता है यार, आज ठंडी ठंडी खुली हवा, ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया। नजारा देखो, नजारा देखो, शाम का समय, शाम को कितना बज रहा है? देखो 5:30 बज रहा है, 5:10 हो रहा है। अच्छा ये भी है, आज मैं पहली बार दोस्त भाई रिवर पॉइंट। सर ये जो पौधा है ना साइकस का, बहुत महंगा पौधा आता है। अच्छा अब ये इतना जो ये पौधा लगा है, ये आज के टाइम समझ लीजिए कि ये 20,000 रूपए का जी जी बिल्कुल बनाया, कितना अच्छा। और हमारे जो बाहर दोस्त लोग रहते हैं, लखनऊ के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी देख लेंगे। और भैया ठीक हो? तो हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले दोस्त लोग रहते हैं जो लखनऊ के बारे में अभी तो पता नहीं या चारे देख नहीं पाए हैं, तो उनको वीडियो के आज सब दिखा सब दिखा डालेंगे। ये वीडियो डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे, अपने डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, बस 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 सब लोग देखेंगे। लखनऊ दर्शन, लखनऊ दर्शन। इसका नाम क्या देंगे? लखनऊ दर्शन। तो इस वीडियो का नाम रहेगा क्या? लखनऊ दर्शन, गोमती नगर दर्शन, गोमती नगर रिवर फ्रंट दर्शन। ये देखो यहाँ पे ठेला भी लगा है। भैया क्या क्या बनाते हैं भैया? अच्छा मैगी चाय, मोमो, बंद मक्खन। तो रिवर पॉइंट यही आगे है, गोमती किनारा। ठीक है अभी आएंगे तो लौट के चाय पिला देना भैया। बिना चीनी वाली भी बनाते हो? ठीक, मैगी भी बनाते हो? तो मैगी कितने की है? 50 रुपये प्लेट। और चाय? चाय कुल्हड़ के बीच के गिलास का। और बन मक्खन? ठीक है, तो ये बन मक्खन खाएंगे और मैगी है ना। और देखते हरा भरा जरा दिखाओ, कितना अच्छा अच्छा ये क्या बनाया है? सर ये कुछ जगह थी लेकिन अब ये रही नहीं, होटल खुले थे। हाँ वो अब रही नहीं। क्या बना रहे भैया? क्या क्या है? पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न ये कितने का भैया? 10 रुपए का। हेलो आप कौन खाएंगे? क्यों जी कौन कौन खाएगा? भैया ले लो 10 रुपया, देख लेना आप। ठंडा नहीं है सर, पीने भर का है। हाँ इसमें भी ठंडा नहीं, पानी शुद्ध है लेकिन ठंडा नहीं है। ठंडा पीने का दिल कर रहा है। चलो कोई बात, अगली बार वाटर कूलर भी लग जाएगा। मजा, ये पेड़ बड़े हरे भरे। तो भैया घूमने का पैसा पड़ रहा क्या? घूमना फ्री है? वहाँ टिकट लगेगा? आगे टिकट है भैया। भैया गाड़ी खड़ी करने कितना है? 20 रुपया ना, फोर व्हीलर का 20 रुपया और टू व्हीलर का। तो यहाँ पे जो रिवर पॉइंट आएगा तो 20 रुपया है, फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का 10 रुपए बता रहे हैं। 10 रुपया और घूमने का भी देख लेते हैं। गाड़ी हमने अपनी खड़ी कर दिया है, गाड़ी कौन सी है? चार्ट किंग इंडिया ना। तो अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया है रिवर पॉइंट पे आके, और मैंने 20 रुपया का टोकन भी ले लिया गया जी। और कोई भी आएगा तो 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ठेका वगैरह रहता होगा फोर व्हीलर का। और ये भी गाड़ी है, और VIP लोगों के लिए फ्री है ना। जिसके VIP गाड़ी में पास लग रहा था उसको शायद फ्री चांस मिल जाए। बड़ा लंबा चल रहा है सर अभी। मैं चश्मा लगाओ, कहाँ चश्मा सर आप लगाइए। अरे नहीं हमने हमारा फुल मजा ले रहा 22 अगस्त का। अब की तुमने खूब मजे लिए हो, कितनी तारीख से? स्वतंत्रता दिवस मनाने लिए तुम 10 तारीख से मजा लेना शुरू किए, 22 तारीख तक का हम लोग स्वतंत्र पूरा मजा हो रहा। ये पेड़ का है यार? चीज का भैया तंदूरी चाय क्या है? कैसे बनती तंदूरी चाय? कितने की है तंदूरी चाय? 20 रुपए की। तंदूर बनाते कैसे? तो अभी हम आएंगे टहल के, तंदूरी चाय मिलेगी? कैसा स्वाद रहता? अच्छा ये कुल्हड़ आग में डाल देते होंगे? अच्छा तो तुम डाल के रखो, कितने की है? तंदूरी वेज मोमो भी इसी में खोलोगे? तो अभी हम आएंगे तो हमको जरा तंदूरी चाय पिलाना है, मोमो नहीं खाएंगे, पहले हम चाय पियेंगे। तंदूरी का बहुत नाम सुना और लोग बताए कि तंदूरी 10 रुपए एक आदमी का। तो 1, 2, 3, 4, 5 दे दो भाई। कभी भी कोई गोमती नगर आएगा तो एक आदमी का 10 रुपए है, कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं? 10 रुपए क्या डिस्काउंट? नहीं डिस्काउंट, कोई VIP आएगा तो फिर दोगे। चलो भाई तो ये टिकट हो गए हैं रिवर फ्रंट के। चलो भैया आप घूमते आओ, अभी फोन ऑन बज रहे हैं, फोन नहीं उठाएंगे, घूमेंगे जी सर। अब 10 रुपए का टिकट है भैया, पूरा मजा ले लेंगे। 10 रुपए दिया गया सर, ग्रीन का पूरा मजा लो। पूरा ग्रीन है भी, सुंदरता भी काफी है। देखो फिसलना नहीं, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं बारिश में, गिर जाते हैं सारे लोग, लुढ़क जाते हैं बरसात में, है ना। कितना हरा भरा लग रहा है यार, हमारे मोहल्ले में ऐसा हरा भरा नहीं है। जी चाहता है यहीं आराम, चरपैया लाओ आराम से सो। गोमती रिवर फ्रंट पार्क में प्रबंधित फूल तोड़ना, टेंट लगाना, शूटिंग, नहाना, पालतू जानवर, जुआ खेलना, हॉकी फुटबॉल खेलना, खाना पकाना, लाउड स्पीकर, कपड़े पहनना। कपड़े पहनना भी मना क्या? धोना सर, धोना। तो एक गलती हो गई भैया, एक कपड़े पहनना मना नहीं है। एक अभी पिक्चर आई थी, बड़ा वोकल हुआ था, बढ़िया लिख देते। तुम क्या बनाते भैया?
आए गजब, ये है ना बचपन की बात। कितने का भैया? 30 रुपए। अच्छा एक बनाओ, चना चोर बनाओ। मिर्च खाओगे भैया? मिर्च नहीं खाएंगे यार, अभी दांत डॉक्टर से करवाए थे। प्याज है क्या? हाँ प्याज है। नींबू है? हाँ। नींबू कौन सा है? इसमें। अरे नहीं ये बोलना ना डालो। हाँ बस प्याज डाल दो, चना जोर डाल दो। टमाटर तो भैया जान है हमारी। मसाला है। अरे कौन सा मसाला है? जीरा। अच्छा जीरा और नमक। अच्छा ये तो चना जोर गरम बाबू मलायम मजेदार गाना गा लेते हो ना? वो गाना सुना था क्रांति पिक्चर में। चलो भाई चना जोर गरम बाबू, वो बड़ा खेलने वाली उम्र। अपनी वाइफ को दे दो। अरे नहीं ले लो बाबूजी, काट डालेगी। इतनी अच्छी वाइफ है तुम्हारी बाबूजी, ले लो। अरे बाबूजी ले लो, कितनी सुंदर तुम्हारी वाइफ है, ले लो बाबूजी ले लो। अभी हमारी शादी नहीं हुई। चना जोर गरम कैसे, कब से बैठते हो? सर जी 5-6-7 साल हो गए। बनाते हो खुद? जो आप खा रहे हैं ये भी बनाते हो? कहाँ हम लोग? कानपुर के हैं सर जी। यहाँ कहाँ बनाते हो चना जोर? यहाँ जिया मुंह में रहते हैं। अच्छा उबाल के बनाते हो? बढ़िया। हाँ शाम को उबालते हैं, पूरी लपेट के उसको रख देते हैं। हैंड थोड़ा लगाना पड़ता है। अच्छा। ताकि पत्थर में चपके नहीं। कहाँ से कूटते हो? अरे बाप रे, बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत। पहली बार मैं लखनऊ के रिवर पॉइंट पे है। नजारा ऐसे जैसा लगता नहीं कि हम लोग लखनऊ में हैं। ये गोमती नदी है। शाम को अगर रिवर पॉइंट आना तो 7 बजे के बाद आइए, नजारा देखिए यहाँ का। अरे बाप रे, कभी तुम इस यहाँ पे आया? ये क्या है, मगरमच्छ की कछुआ? सर ये कुछ नहीं है, ये ऐसी पड़ी हुई चीज है। क्या कहो, जरा चेक करो। सर ये गद्दा है। अच्छा, हमने सोचा डर गए मगरमच्छ हो, कहीं नहाने वाले आ जाए, बढ़िया सा उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हमारे लखनऊ कभी भी घूमने के लिए आइए तो आराम से आप बैठो, आराम से फुल मजा लो। खूब बारिश हो, बरसात के मौसम है, अभी बारिश रुक गई है ना तो और मजा आता है। वो दूर दूर तक का कुछ नजर नहीं आता। इसमें वोटिंग अगर करते तो और मजा आता है। इस वक्त बंद है शायद वोटिंग, वोटिंग हो नहीं रही है। कहीं दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। नहीं इतना बढ़िया वोटिंग होती ना सर, तो यहाँ भीड़ और होती। वोटिंग होना चाहिए, इतना बढ़िया रिवर पॉइंट है। नहीं नहीं होगी, लेकिन ये भी हो सकता है अभी बंद हो ना, भीड़ ज्यादा होती। ये देखिए पुल देखो कितना अच्छा है बना है। बहुत नजारा है। इसको पुल देखो कितना बढ़िया सुंदर है, लाजवाब। एक बार फिर से बोलना चाहेंगे भाई, कभी हमारे शहर लखनऊ आइए तो रिवर पॉइंट और गोमती नदी के नजारे देखने के लिए जरूर आइएगा। हरा भरा है। वाह बहुत ही लल्लन टॉप नजारा। दोस्त जो लखनऊ पुराने लखनऊ में रहते हैं या कोई सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे आएंगे ना तो देखो मजमा लगेगा। अच्छा इस पे क्या लिखा देखो? रेलिंग से दूर खड़े हो नदी में, निष्प्रयोज तस्तुए ना फेंके। पास वही लोग खड़े हो जिनको तैरना आता, जिनको नहीं खड़ा तैरना आता है तो भैया रेलिंग से बहुत दूर रहे। कुलदीप ये क्या पड़ा दिखाओ, ये क्या मगरमच्छ है क्या? क्या है गद्दा यहाँ कैसे आ गया? अरे यार इतना साफ पानी, सुंदर पानी, गद्दा कैसे आ गया यार? और वो क्या है देखो, वो इतना बड़ा गद्दा इसमें कैसे आ गया? तो पानी तो छनके आता होगा क्यों? सर ये कहीं दूर फेंका गया होगा। हाँ तो वहां से तैरते तैरते। ये तो गलत बात है, पानी में लिखा है यहाँ देखो वो चीजें ना फेंको। नहीं यहाँ से फेंका नहीं गया है सर। हाँ। ये फेंका कहीं और से गया है बस। अच्छा ये क्या है पार? अरे बाप रे, ये पेड़ का है का? सूख गया सर, जिसका भी था सूख गया। चिड़िया उड़िया कुछ नहीं दिख रही है? कहते हैं यहाँ पे फेंकना मना है, दुख होता है देख के। ये इसको यार अपने पास रख दे यार, है ना, इतना काम कर दे भैया, जिंदगी करना मना है। कहाँ फेंकेंगे सर इसको? ले यार नहीं कर लो, डस्टबिन यहाँ है। वो है डस्टबिन डाल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी लोग इतने समझदार पढ़े लिखे हो गए यार, है? एक बोतल उधर पड़ी, सब गंदगी साफ करो। कोई कचरा नहीं डालेगा, कोई पानी पी लेता है, बोतल फेंक देता है, ये कचरे में डालो सब। तो भैया कभी भी याद रखिएगा, रिवर पॉइंट आइएगा तो बहुत यहाँ साफ सुंदर और शुद्धिकरण बनाए रखो। यहाँ डस्टबिन रखा हुआ है, आराम से उसमें डालो। ये रिवर पॉइंट है और यहाँ पर कोई भी मना किया गया है, लिखा भी है कचरा मत फेंको, लेकिन कुछ शरीफ लोग मानने को तैयार नहीं। कचरा डालते कूड़े में ही डालते, जहाँ पानी पिया वही फेंक देते हैं। ये पेड़ का है का? सर सूख गया भी है, नारियल लग रहा है हमें भी, लेकिन नारियल दिख नहीं रहा एक को। अच्छा नारियल नहीं दिख रहा। भैया चना तुम खुद ही बनाते हो ना? जिया मऊ है ना? हाँ जिया। तो आपका क्या नाम बताए थे? सुधीर। सुधीर भाई तो तुम्हारा चना जो है हम बनाने के लिए, एक दिन जब बनाओगे तो हम आएंगे कैमरा लेके। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित कुमार तो यहाँ बर्थडे मनाने आओ? अरे वाह बहुत बढ़िया जगह। और तुम्हारी सब फ्रेंड है कहाँ है? सब फ्रेंड लोग, दो ही लोग करोगे? ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब भैया टांगे टेढ़ी हो गई, हर्षित तो थके नहीं है तो भैया सुबह से दौड़ा दिया, कहाँ कहाँ गए पता, लेकिन अभी दम है। अरे सर अभी दौड़ने के देखो, ऐसे दौड़ सकते, देखो 1, 2, 3, 4, 5 जान निकल गई। तंदूरी चाय पियेंगे भाई, तंदूरी चाय पियेंगे आज पहली बार। आप पियोगे भाई? तो आपको तो फ्री खिलाते होंगे। अच्छा
हमारे जैसा शरीफ आदमी। अबे तुमने बोला था हम तंदूरी चाय पिलाएंगे, हम कितना इनका बच्चे बुझ गए, तंदूरे बुझा पड़ा तो कहाँ चाय मिलेगी। बर्फ कौन सा है, बढ़िया मुर्दे वाला तो नहीं डालते हो? अरे मुर्दे, अरे यार बर्फ में अच्छी क्वालिटी होती है। पहले लोग क्या करते थे, जो मुर्दा खाने में फेंक देते थे उसे मुर्दे लिटाए जाते थे, तो वही बर्फ सिल्ली लाते थे, फ्री में मिलता था। तो भैया यार बढ़िया वाला पिलाना भाई, बर्फ का गोला। ये देखो आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद अहमद भाई। ये देखो इनका नाम है, रिवर पॉइंट के सामने मिलते हैं, गेट के सामने। इनका नाम है चटपटी चुस्की। इसमें कौन कौन से मराठी? ये मशीने लगी हुई काला खट्टा ना। एक गिलास कितने का है? 70 का गिलास। तो बहुत बढ़िया है दोस्त, एक गिलास 70 का। ये सब मशीनें लगी हुई, इसमें सब बराती अलग अलग है ना। नींबू वाला कितने का? पूरा नाम क्या बताओ भैया? मोहम्मद अहमद। कितने साल हो गए? धन्यवाद, और अगली बार कभी फिर आएंगे तो तुम्हारी दुकान में हम जरूर आएंगे। अरे ये देखो लपेटू छोले इनका, लो है लिपट जाओगे फिर गले में लिपट जाएंगे। चलिए अभी हमने कहा कि भाई जरा रिवर पॉइंट घूम लेते हैं, हमने कहा भी मजा ले लेते हैं, आज घुमाए रिवर पॉइंट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इसी ब्लॉग के साथ मैं समाप्त कर रहे हैं। हर्षित, तो ठीक है भैया, नमस्कार।